हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार एक ब्रांड के बारे में, एक ऐसा ब्रांड जो कि इन दिनों बहुत ही फेमस है अपने क्ले यूटेंसिल्स और कुकवेयर को लेकर, यानी मिट्टी के बर्तन। साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे आखिर ये जो क्ले यूटेंसिल्स होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, लाभ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देर के यार चलो यार स्टार्ट करते हैं। हाल फिलहाल के टाइम में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो बर्तन है, जो क्ले यूटेंसिल्स है, मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन है, उसका इस्तेमाल फिर से बढ़ रहा है, ये प्रचलन फिर से आ रहा है। और अगर मैं इस प्रकार के यूटेंसिल्स की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस प्रकार के बर्तन लगभग 25,000 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, लोगों ने अपने ये जो यूटेंसिल्स है उसके मटेरियल में भी चेंजेस लाने लगे, जैसे कि आयरन के ऊपर लोग स्विच हुए, फिर ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब हमारे को जो कि आज के टाइम पे मार्केट में देखने को मिलता भी। So, आज का जो एक्चुअल डिस्कशन है, जहां पर हम लोग ब्रांड के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ये जो क्ले यूटेंसिल्स होते हैं, आखिर इसका बेनिफिट क्या है। तो अगर हम लोग यहां पर बेनिफिट की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा जो बेनिफिट आता है वो ये आता है कि जब भी आप इस प्रकार के बर्तन में, यानी जो मिट्टी से बने बर्तन में अगर आप खाना पकाते हो, तो खाने की जो न्यूट्रियस वैल्यू है वो खाने में ही रहती है। कहने का मतलब ये है जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में ही रहते हैं 100%। और जो ही हम लोग बात करें दूसरे मटेरियल के यूटेंसिल्स की, तो वहां पर अगर मैं आयरन की बात करूं तो वहां पर 90% न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है। अगर मैं बात करूं स्टील की तो 65-78% रहती है। और जो ही अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की तो वहां पर सिर्फ 12-15% रहता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो मिट्टी के जो बर्तन है उसका इस्तेमाल करना सही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यार कि देखो आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें किसी ना किसी प्रकार की डिफिशियंसी पाई जाती है, जैसे कि किसी में आयरन की, किसी के कैल्शियम की या मैग्नीशियम की कमी रहती है। लेकिन जब आप इस प्रकार के बर्तन, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन के अंदर पका हुआ खाना उन्हें देते हैं, तो इन सब मिनरल्स की पूर्ति होती है, क्योंकि मिट्टी से बने बर्तन में 15 तरीके के नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो इस प्रकार के बर्तन में पका के आप उन्हें खाना परोस सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। और तीसरा अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखो यार बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जियां होती है ना, जैसे कि मान के चलो स्वीट पोटैटो हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, ये सब ना एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार के जब बर्तन में आप जब पकाते हो, मिट्टी से बने हुए बर्तन में जब आप पकाओगे, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार की जो सब्जियों का जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसा इसलिए भी जरूरी कि मान के चलो जो भी आप सब्जियां खाते हो अगर वो एसिडिक नेचर की होंगी, तो जब आप उसे कंज्यूम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर एसिडिक और ये जो गैस्ट्रिक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ सकती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और बेनिफिट के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये है कि भैया ये जो बैक्टीरिया है उसको दूर रखता है, ठीक है, ऑयल कंजम्पशन लेस होता है। और साथ ही में बहुत सारे वीडियोज मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर ये पता चला कि वो जब मिट्टी के बर्तन से बना हुआ पका हुआ खाना खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और अगर हम लोग बात करें मटकास की, देखो आज के टाइम पे तो मटका बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी भी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो कहीं ना कहीं मटका का इस्तेमाल करते हैं, क्ले पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं इस प्रकार के क्ले पॉट्स के, जो कि क्ले पॉट्स वाटर पीते हैं, यानी जो मटका वाला पानी पीते हैं, तो उसका बेनिफिट ये है यार कि देखो वो कहीं ना कहीं आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको इम्प्रूव करता है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गैस्ट्रिक और एसिडिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, तो एक तरीके से सही है। देखो यहां तक हमने जितना भी डिस्कशन किया इसके बेनिफिट्स के बारे में, इस प्रकार के जो क्ले यूटेंसिल्स होते हैं उसके बेनिफिट के बारे में, तो आपको बहुत सारी चीजें पता भी होंगी और कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से पता लगा। लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर कुछ लोग जो कि इस प्रकार के यूटेंसिल्स को यूज करना चाहते हैं वो कौन से ब्रांड खरीदें। तो यहां पर अब बात करते हैं एक ब्रांड जो कि है मिट्टी कूल। इस ब्रांड के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मैंने जब इस ब्रांड के बारे में जाना, इस ब्रांड का पूरा जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में जाना, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और इसके बारे में आप सबको भी अवगत कराया जाए। तो यहां पर इनके फाउंडर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जिनका नाम है मनसुख भाई प्रजापति, जो कि एक टाइम पे साइकिल के ऊपर अपने इस प्रकार के जो बर्तन थे क्ले यूटेंसिल्स उसको बेचा करते थे। लेकिन अब इन्होंने एक प्रॉपर ब्रांड बना लिया है और आज के टाइम पे इनका जो मेन एम है वो ये है कि वो फिर से लोगों को मिट्टी से जोड़ना चाहते हैं। तो अब चलते हैं यार इनके वेब पेज पे, वेबसाइट पे, जहां पर हम लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो यहां पर जब सबसे पहले आप इनके वेब पेज पे जाओगे तो यहां पर आपको पता चलेगा इनके पास बहुत वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट ये बना रहे
रहे हैं, ठीक है, इनके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चलेगा, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर इनके क्या अचीवमेंट है, इनको किन किन लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया। और अगर हम लोग यहाँ पर नेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, साथ में जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, साथ ही हमारे लेजेंडरी साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी इनको सम्मानित किया है। और जब हम इनके वेब पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में देखने को मिलेगा जहां जिन्होंने इनको मतलब सराहा है, इनके काम के प्रति इनको मतलब मोटिवेट किया है। लेकिन यहां पर इसका एक प्रोडक्ट है जिसके कारण ये जो ब्रांड है अब एक अलग ही लेवल इसने अपना बना लिया है, जिसमें उन्होंने मिट्टी कोल क्ले रेफ्रिजरेटर निकाला है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला फ्रिज है, और जिसके कारण इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी ऐसी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट पे जाके वहां पर नंबर दिया गया है, वहां से आप इनके डीलरशिप के लिए सप्लायर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद यार मैंने सोचा कि चलो इनके कुछ वीडियोस देखा जाए, वीडियो के माध्यम से भी कुछ ना कुछ जानकारी तो मिलती ही है। तो जब मैं यूट्यूब पे गया तो यूट्यूब पे इनका एक चैनल भी है मिट्टी कूल के नाम से, जहां पर ये हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करना है, पहली बार अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने घर पे लेके आ रहे हो तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने उसके बारे में भी बताया। साथ में इन्होंने अपने प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा डिटेल जानकारी दी है, जहां पर ये बताया कि ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये जो गांव देहात के जो लोग हैं उनको भी रोजगार प्राप्त करवा रहे हैं, इनकी जो कंपनी है वहां पर टाइमिंग फिक्स है, लोगों को एक अच्छी इनकम दी जा रही है, और साथ में सबसे बड़ा जो पॉइंट वो ये है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रकार का जो केमिकल है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे हमारे को चाहिए भी तो क्या चाहिए यार, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए, जो कि एक ऐसा ब्रांड जो कि हमारे हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, एक ऐसा ब्रांड जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहा हो, एक ऐसा ब्रांड जो कि इन्वायरमेंट के प्रति और साथ में एक इको फ्रेंडली नेचर का, ताकि कल को वो जब प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो तो उसमें एनवायरनमेंट का भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट को हम लोग एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं यार, है कि नहीं। तो अगर आप इस प्रकार के ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी खरीद सकते हो, आप इनके वेबसाइट के थ्रू भी जाके आराम से खरीद सकते हो। जाइए यार और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है उसको एक बार देखिए, अपने नजरिए से कुछ टाइम बताओ इनके वेबसाइट पे है कि नहीं। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करो। आपका इस ब्रांड के बारे में जो मैंने बेनिफिट्स बताए उसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हो तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।